इमेजिन कीजिए कि एक बर्फीली पहाड़ी है और उसके बीच में एक काफ़ी ज़्यादा हिलता हुआ एल्यूमिनियम लैडर, उसके नीचे एक इतनी गहरी खाई है कि ज़रा सी भी गड़बड़, ज़रा सी भी नर्वसनेस एंड अ सेकेंड ऑफ वेटलेसनेस एंड बाम हिट डाउन। एवरेस्ट क्लाइम करते हुए मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जो मेरी इनर स्ट्रेंथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। आई वॉज रफली एट अबाउट 19,000 फीट अबव द सी लेवल, विच मीन्स मैं पीक से लगभग सिर्फ 4 दिन दूर था। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ दो पहाड़ थे, बीच में एक खाई थी और उस पर जाने का एक ही तरीका था, एल्यूमिनियम लैडर से एक ब्रिज बनाना था। 10 फीट का एक लैडर होता है तो टोटल डिस्टेंस हुआ 40 फीट का। एंड वन स्टेप इज रफली 1 फुट, सो दैट मेक्स इट रफली 40 स्टेप्स, माई 40 स्टेप्स ऑफ फेथ। जब मेरी बारी आई तो मेंटल प्रिपरेशंस तो पूरी थी, लेकिन लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते। मैं कदम बढ़ाता रहा, 1, 2, 3, 4, हर कदम के साथ जो नीचे खाई थी वो और भी बड़ी होती गई, पर मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ता रहा। 11, 12, 13, आई थिंक इट वाज समवेयर क्लोज टू द 20th स्टेप, राइट इन द मिडल, जब हवा काफ़ी तेज हो गई, द लैडर स्टार्टेड बेंडिंग एंड शेकिंग कम्प्लीटली, और तब मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने नीचे देख लिया, सिर्फ अंधेरा था। इट हैड अ फीलिंग ऑफ लिमिटलेसनेस टू इट, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक होल इन द माउंटेंस। और अचानक उसी मोमेंट में द विंड हिट मी, आई फ्रोज, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई लॉस्ट माई नर्व। और मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने लैडर को कस के पकड़ रखा था। आई थिंक दैट मोमेंट लास्टेड फॉर अ सेकेंड और टू, बट इट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी। लेकिन थैंकफुली उस मोमेंट के बाद मैंने खुद को संभाल लिया। आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार मैं यहाँ किसी गुमनाम वैली में गायब थोड़ा होने आया हूँ, यहाँ आने के बाद मैं क्विट नहीं कर सकता था, जस्ट 20 स्टेप्स मोर, और बस मैं आगे कदम बढ़ाने लगा। एक्चुअली फट के हाथ में आ गई थी पूरी तरह, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हिम्मत ज़बरदस्त हो गई थी कि यार ये कर लिया मतलब अब तो एवरेस्ट पहुँच ही जाऊँगा, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड।